आज मेरा भी आपसे निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर अपने गुरु रविदास जी के सम्मान के लिए हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर मैं बीच में कहीं दूसरी पार्टी में चला गया था, लेकिन उनके उद्देश्य को देखकर मैंने वहाँ से बैक मारी। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ गुरु का सम्मान नहीं हुआ, हमारा सम्मान कहाँ होगा। तो उसी बात को समझते हुए हम सब मिलकर, हम गुरु की संतान हैं, हम गुरु को चाहने वाले हैं, गुरु में हमारी आस्था है, श्रद्धा है। जब श्रद्धा है, आस्था है, तो निश्चित तौर से हमें जहाँ गुरु की जो ऐतिहासिक जमीन है, उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। तो उसी संघर्ष के लिए मैं भी अपनी तरफ से 21,000 रुपये इस आंदोलन में आपको देने का काम करता हूँ। तो मेरी कहीं भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं गुरु रविदास जी से काफ़ी नज़दीक रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में जो रविदास मंदिर था, वहाँ मैंने अपनी एक मूर्ति गुरु रविदास जी की लगाने का काम किया, उस मंदिर को 15 लाख रुपए का अनुदान देने का काम किया। वो तमाम रविदास जी की दो भी जब भी सहयोग की जो पड़ती है हमेशा, क्योंकि मैं मेरे मंदिर में आप जाके देखोगे घर में, तो मैं गुरु रविदास की भी पूजा करता हूँ। तो ये अपनी एक आस्था है, उस आस्था में हमें निश्चित तौर से आगे चलना होगा। यदि हम सच्ची श्रद्धा अपने गुरु के प्रति रखते हैं, तो हमें गुरु के सम्मान के लिए इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भी जाना पड़े, तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी को मेरा सत्साहिब, सभी को मेरा सतनाम। जय गुरुदास महाराज की, जय गुरुदास महाराज की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।